मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। बुलंदशहर गैंगरेप पर आजम खान के बाद अबू आजमी का विवादित बयान, बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप, बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी बताया। विवादित बयान पर पलटे आजम खान, बुलंदशहर गैंगरेप को विरोधियों की साजिश बताने से इनकार, बोले इस मामले की जांच होनी चाहिए। आजम खान पर भड़का गैंगरेप पीड़ित का परिवार, चाचा ने कहा पागलपन का शिकार हो गए हैं आजम खान। बुलंदशहर गैंगरेप पर बीजेपी ने अखिलेश सरकार को घेरा, कहा आजम का बयान शर्मनाक, सीबीआई से जांच करवाई जाए। बुलंदशहर गैंगरेप के पीड़ित परिवार से मिले केशव मौर्य, अखिलेश से इस्तीफे की मांग की, आजम खान पर भी निशाना साधा। बुलंदशहर गैंगरेप के पीड़ितों से मिलेंगे सीएम अखिलेश, 4 अगस्त को गाजियाबाद दौरे में होगी मुलाकात। वाराणसी में रोड शो के दौरान सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टरों की सलाह पर दिल्ली लौटी। बीजेपी में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, सूत्रों के मुताबिक 8 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी का दामन थामे। आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक कल, विधायकों से चर्चा करेंगे गुजरात बीजेपी प्रभारी दिनेश शर्मा। आनंदीबेन के इस्तीफे पर राहुल गांधी ने साधा पीएम पर निशाना, कहा गुजरात की बर्बादी के लिए 13 साल का मोदी शासन जिम्मेदार। मुख्यमंत्री की रेस में विजय रूपानी का नाम आगे, कहा जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। आनंदीबेन से मिले खेड़ा के पटेल नेता, इस्तीफा वापस लेने की मांग। पश्चिम बंगाल का नाम बदलने को ममता कैबिनेट ने दी मंजूरी, बांग्ला या बोंगो नाम की सिफारिश, अंग्रेजी में कहलाएगा बंगाल। नाम बदलने को लेकर जल्द बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र। नाम बदलने के पक्ष में बाबुल सुप्रियो, लेकिन बोंगो नाम करने का किया विरोध, कहा वाद्य यंत्र है बोंगो। सैयद अली शाह गिलानी ने अपने घर पर लिखे भारत विरोधी नारे, दूसरे लोगों को भी उकसाया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री नईम अख्तर के घर पर हमला, अज्ञात लोगों ने फेंका पेट्रोल बम, वारदात के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं। औरंगाबाद आर्म्स केस में अबू जिंदाल समेत 7 मुजरिमों को उम्र कैद, नरेंद्र मोदी की हत्या की रची थी साजिश। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से बिहार की एक महिला गिरफ्तार, 4 साल के बच्चे की तलाश की जा रही है। कल राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी बिल, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए जारी किया है आदेश। सांसद भगवंत मान को नशा मुक्ति केंद्र भेजने की मांग, कई सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी। आज रात सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे वीके सिंह, नौकरी गंवाने वाले भारतीय नागरिकों की करेंगे मदद। पाकिस्तान में गृहमंत्री की सुरक्षा पर भारत ने जताई चिंता, सूत्रों के मुताबिक राजनाथ को लश्कर जैश आईएसआई से खतरा। राजनाथ सिंह के पाकिस्तान दौरे को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक, गृह मंत्री के अलावा एनएसए, विदेश सचिव, गृह सचिव और आईबी और रॉ प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। 2014 बैच के आईएएस अधिकारियों से मिले पीएम मोदी, लोगों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील होने की सलाह दी। पहलवान नरसिंह यादव से मिले पीएम मोदी, रियो में जीत के लिए दी शुभकामनाएं, कहा आपके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही नहीं देख पाया कन्हैया कुमार, सदन का कामकाज स्थगित होने की वजह से सुरक्षाकर्मियों ने रोका। अलग विधायक के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में आज फिर हंगामा, शिवसेना ने रखा अखंड महाराष्ट्र का प्रस्ताव, सदन के बाहर भी किया विरोध प्रदर्शन। संसद परिसर में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस का प्रदर्शन, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। विशेष राज्य की मांग पर वाईएसआर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का आंध्र प्रदेश में बंद, विशाखापट्टनम में रास्ता रोक कर किया प्रदर्शन, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। भोपाल में शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कार्टून अटैक, सिंहस्थ कुंभ में घोटाले का आरोप लगाया, नगर निगम और पुलिस ने हटाए होर्डिंग। सेहत सुधारने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे अरविंद केजरीवाल, 12 अगस्त तक लगाएंगे ध्यान। पश्चिम बंगाल के सिलगुड़ी में बीएसएफ जवानों पर पशु तस्करों का हमला, भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास हुई झड़प में 6 जवान जख्मी। दिल्ली से मुंबई के बीच पहले ट्रायल में 2 घंटे लेट हुई टैल्गो ट्रेन, बारिश ने लगाई रफ्तार पर रोक। लखनऊ में नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों से मारपीट की, मरी गाय को ले जाते वक्त कुछ लोगों ने पीटा, विरोध में मरे पशुओं को उठाने का काम रोका। पंजाब के कपूरथला में दिव्यांग बच्चों के सेंटर में हादसा, खाना खाने के बाद 28 बच्चे बीमार हुए, 2 की मौत हुई।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने दो नक्सलियों को ढेर किया, बारूद और राइफल बरामद। मारे गए नक्सली गंगा पर था 1 लाख का इनाम। दिल्ली एनसीआर में 40% तक महंगी हुई सब्जियां, एसोचैम के मुताबिक मॉनसून में सप्लाई कम होने से बढ़े दाम। देहरादून में चलती कार में आग लगी, 3 लोगों को बचाया गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की आशंका। तेलंगाना के निजामाबाद में जानलेवा साबित हुआ वीडियो शूट कराने का शौक, झील में छलांग लगाने के बाद युवक की मौत। असम के गोलाघाट में सड़कों पर आए गैंडे, काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ के बाद जान बचाने के लिए भागे। असम की बाढ़ में जानवरों का बुरा हाल, काजीरंगा नेशनल पार्क में 200 से ज्यादा पशुओं की मौत, मरने वालों में 20 गैंडे भी शामिल। महाराष्ट्र के नासिक में 24 घंटे के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश, शहर के कई मंदिर पानी में डूबे, सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बाढ़ से हालात हुए और भी ज्यादा खराब, दूध नदी का पानी शहर के घरों में घुसा, स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी बाढ़, जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं लोग, 10 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे छठे दिन भी बंद, बारिश के कारण रास्ता खोलने में हो रही है दिक्कत। उत्तराखंड के देवप्रयाग में लैंडस्लाइड, खोला गांव का, जमींदोज होने का खतरा, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड के पौड़ी में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं बच्चे, सिलगार नदी का जर्जर पुल कर रहे हैं पार। राजस्थान के बांसवाड़ा में तूफान से तबाही, करीब 20 मकान ध्वस्त, सड़कों पर गिरे पेड़। जयपुर में जेडीए के घटिया कंस्ट्रक्शन की खुली पोल, तेज बारिश के बाद अचानक धसी पुलिया, ट्रैफिक डायवर्ट होने से लोगों को हुई भारी परेशानी। दिल्ली आजाद मार्केट चौक पर सड़क धंसने से ट्रक फंसा, गोविंदपुरी में भी रोड धंसने से ट्रैफिक पर असर। हैदराबाद में एक बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत, जर्जर हालात में थी पुरानी ये इमारत, बारिश की वजह से हुआ हादसा। बुलंदशहर गैंगरेप के बाद लखनऊ पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, ड्यूटी से गायब रहने पर एसएसपी ने लगाई डीएसपी की क्लास। राजस्थान के धौलपुर में रेलवे स्टेशन पर हादसा, ट्रेन से उतरते वक्त 2 भाई कटे, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। आगरा में पाइपलाइन टूटने से पानी का बड़ा संकट, नाराज लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, आगरा हाथरस हाईवे जाम। हरिद्वार में बेटी ने पेश की बहादुरी की मिसाल, गुलदार से बहन और उसके बच्चे को बचाया। एमपी के मंदसौर में टीचर का टॉर्चर, 8वीं क्लास की छात्रा को पीटने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजस्थान के जैसलमेर में सीमाओं पर कड़ी चौकसी, सीसीटीवी कैमरे में रखी जाएगी नजर। लुधियाना की सड़कों पर महिला ई रिक्शा की शुरुआत, महिलाएं होंगी ड्राइवर और महिलाएं ही कर सकेंगी सवारी। पंजाब में पाकिस्तान के ड्रग तस्करों की साजिश नाकाम, 15 किलो हेरोइन जब्त, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 75 करोड़ की कीमत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग तस्करों का पर्दाफाश किया, 8 लोगों को पकड़ा, करीब 20 करोड़ की ड्रग्स। भुवनेश्वर में हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड, पत्नी के साथ अवैध रिश्ते के शक में की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के सादुल शहर में एक महिला के 3 बच्चों के साथ खुदकुशी की, खुदकुशी की वजह तलाशने में जुटी पुलिस। राजस्थान के जालौर में दबंगों ने की दलित परिवार के घर पर कब्जा करने की कोशिश, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। आगरा में दिव्यांग युवती से रेप, मकान मालिक और उसके रिश्तेदार पर आरोप, वारदात के वक्त घर में अकेली थी पीड़ित। यूपी के सीतापुर में छोटी बहन के सामने नाबालिग का गैंगरेप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। यूपी के महोबा में तमंचे की नोक पर महिला का गैंगरेप, गांव के ही 3 दबंगों पर आरोप। यूपी के मऊ में झोला छाप, डॉक्टर की लापरवाही से मां और बच्चे की मौत, नाराज रिश्तेदारों ने अस्पताल के बाहर किया हंगामा। यूपी के बुलंदशहर में बहन ने की भाई की हत्या, गला रेतने के बाद आग के हवाले किया, अवैध रिश्तों की वजह से मर्डर। यूपी के बागपत से अगवा मासूम की हत्या, 5 दिन पहले बदमाशों ने किया था अपहरण, मांगी थी 1.5 करोड़ की फिरौती। आगरा में डेयरी मालिक के साथ मारपीट के साथ लूट, सीसीटीवी फुटेज के सहारे आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी पूजा शर्मा से शादी के नाम पर धोखा, पति पर मारपीट, पैसे हड़पने और ब्लैकमेल करने का आरोप। कोलकाता में पेड़ पर चढ़ा जापान का सैलानी, 10 घंटे की नौटंकी के बाद नीचे उतरा, दिमागी हालत ठीक नहीं। पहली बार राजस्थान में दिखा सफेद हिरण, जोधपुर के रेस्क्यू सेंटर में इलाज कराने के लिए लाया गया।
कोची में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान, हेलमेट पहनकर पेट्रोल देने वालों को मिलेगा लकी कूपन। शेयर बाजार में आज भी भारी उतार चढ़ाव, सेंसेक्स 21 और निफ्टी 14 अंक की गिरावट के साथ बंद, रियलिटी मेटल टेलीकॉम और माइक्रो फाइनेंस के शेयरों में गिरावट। महाराष्ट्र में महंगी हो सकती है गाड़ियां, रोड सेफ्टी के नाम पर 1% सेस लगाने का प्रस्ताव, नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर लगेगा सेस। डोनाल्ड ट्रंप फिर भूले भाषा की मर्यादा, पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान हिलरी क्लिंटन को शैतान कहा। टर्की के बंगोल में कार बम धमाका, 6 पुलिस अधिकारियों की मौत, कई विद्रोहियों पर आरोप। दक्षिणी चीन में नीडा तूफान से तबाही, 150 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से चली हवाएं, मूसलाधार बारिश के बाद कई शहरों में बाढ़ की स्थिति। कनाडा के शहर टोरंटो में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, बलोच नेशनल मूवमेंट में आजाद बलोचिस्तान के नारे लगाए गए, अब्दुल वाहिद बलोच को रिहा करने की मांग। मेक्सिको में सक्रिय हुआ एल पोपो ज्वालामुखी, आसपास के इलाके धुएं की चपेट में, राजधानी तक पहुंची रात। अमेरिका के ऑस्टिन में शूटआउट, एक महिला की मौत, 3 महिलाएं घायल। अमेरिका के इलिनॉय में सड़क पर भिड़े कई ट्रक, हादसे में एक ड्राइवर की मौत, ट्रकों की टक्कर से गाड़ियों में लगी आग। सऊदी अरब में टाइगर ने किया एक शख्स पर हमला, दोस्त के पालतू बाघ के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था शख्स, हमले में युवक का पैर जख्म। बीसीसीआई ने जस्टिस मार्कंडे कार्जू को कानूनी पैनल का बनाया हेड, लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर कार्जू से ली जाएगी राय, बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी में 4 लोगों का पैनल बनाया गया। मैरीकॉम ने ओलंपिक के लिए भारतीय दल को दी शुभकामनाएं, राज्यसभा में कहा ट्रेनिंग के दौरान एथलीट्स को होती हैं कई मुश्किलें। रियो ओलंपिक में बरमूडा से भी छोटा है पाकिस्तान का दल, पाकिस्तान के रियो दल में सिर्फ 7 एथलीट्स। रशिया के 2 तैराकों को रियो ओलंपिक में खेलने की मिली इजाजत, स्विमिंग की इंटरनेशनल बॉडी फीना ने रशिया के व्लादिमिर और निकिता को दी अनुमति। विवादों के बीच इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जताई उम्मीद, कहा मील का पत्थर साबित होंगे रियो गेम्स, ओलंपिक से पहले रियो में वित्तीय संकट और जीका वायरस का खतरा। ओलंपिक शुरू होने से 3 दिन पहले ओलंपिक पार्क में तैयारियां, लगाए गए खास होर्डिंग्स। रियो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी की तैयारियां पूरी, अमेरिकन स्टेडियम पर आतिशबाजी के लिए हाजिर की गई। ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में सबसे खास दिखेगा अमेरिकी दल, अमेरिका के फ्लैग बेरर को पहनाई जाएगी खास इलेक्ट्रिक जैकेट, जैकेट में लगी होंगी लाइट्स। फिल्म बार बार देखो का मोशन पोस्टर रिलीज, पोस्टर में कैटरीना और सिद्धार्थ की दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री, कल फिल्म का ट्रेलर आएगा। सरबजीत के बाद अब एक और चैलेंजिंग रोल में दिखेंगे रणदीप हुड्डा, नई फिल्म बैटल ऑफ सरागढ़ी में हवलदार ईश्वर सिंह का किरदार निभाएंगे। ऋतिक रोशन ने हैदराबाद के शॉपिंग मॉल में किया अपनी फिल्म मोहनजोदाड़ो का प्रमोशन, फीमेल फैंस के साथ जमकर थिर गए।